लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। अब बस एक चरण की वोटिंग बाकी है। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में यानी 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में अब राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बिहार के रविंद्र सिंह भाटी कहे जाने वाले पवन सिंह का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेत जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जहां भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर में तो पवन सिंह ने काराकाट में मुकाबला त्रिकोणिया बना दिया है। ऐसे में अब रविंद्र सिंह भाटी ने पवन सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। सुनिए भाटी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भाटी, बिहार की धन्य धरा को नमन करते हुए काराकाट की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े भाई पवन सिंह जी, जिनकी आवाज देश के कोने कोने तक आज जा रही है, सब लोगों की इच्छा है कि काराकाट की देवतुल्य जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी उन पर आशीर्वाद जताए, उन पर विश्वास जताए और उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तुम बेचे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब साथियों से कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में आप मत व समर्थन देके बड़े भाई को विजयी बनाए। मैं माफी चाहूंगा, पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से मैं आप सभी के बीच में हाजिर नहीं हो पाया, पर मैं विश्वास दिलाता हूं भाई पवन सिंह जी के विजय जुलूस में हम सभी मजबूती से शामिल होंगे। और मेरा निवेदन आप सभी से कि आप सब कैंची के निशान पर बटन दबा के बड़े भाई पवन सिंह जी को आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाटी ने काराकाट की जनता से पवन के पक्ष में भारी वोटिंग का निवेदन किया है। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, भाटी और पवन सिंह दोनों ही ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनकी नामांकन रैली से लेकर जनसभाओं तक बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली है और दोनों की ही सभा और रैलियों में युवाओं की तादाद काफी ज्यादा दिखी है। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट मांगा था। भाजपा ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो रविंद्र ने निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में बाड़मेर से फिर निर्दलीय ताल ठोक दी और भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को हॉट सीट बना दिया। भाजपा ने इस सीट से जीत के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित बड़े बड़े स्टार प्रचारक से प्रचार करवाए। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए द ग्रेट खली और कंगना से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए आए। वहीं पवन सिंह ने भाजपा का टिकट लौटाकर बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसी के चलते काराकाट लोकसभा सीट बिहार ही नहीं देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह दोनों पर ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले भाजपा से टिकट मांगा था। जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।